जब जब अमन फैमिली के सामने कुछ बोलने की कोशिश करेगा, फैमिली को कुछ समझ नहीं आएगा। आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हिचकिचाइए मत, आप खुल के बता सकते हैं हमें। रास, मैं रास, मैं यहाँ पर आऊँ। ये रोज़ी के निर्देश तुम। तापीसी। नताशा घर पर नहीं है, शायद कहीं बाहर गई। उसके वापस आने तक हमको घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कुछ मिले। राइट, कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि नताशा किसके लिए काम करी है। देखते हैं। रुबीना, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो पता नहीं ये आदमी क्या कर देता है। हाँ ताबीजी, आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, इल्मे जिन ने बताया कि ये कचरा जिन। कचरा जिन? हाँ, कचरा जिन। ये कैसा नाम हुआ ताबीजी? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये कचरा जिन जो है वो अच्छा है या बुरा? क्या है कि जो बहुत घिनौना गुनाह करते हैं ना, वो कचरा जिन बन जाते हैं। हो सकता है कि इसने भी कोई घिनौना गुनाह किया हो, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। ये देखने में अजीब ही नहीं, बहुत बुरा और खतरनाक भी लगता है अम्मी। रुबीना, कब से हम रोशनी को यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। देखा रोशनी, हमें इसे इस घर में नहीं रहने देना चाहिए बेटा। रोशनी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये शायद खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसे घर में मत रहने दो। आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बताइए। लेकिन रोशनी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, बस मुझे कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। रोशनी, भाभी नहीं, नहीं। रोशनी, ये शीशा है या पत, टूटे नहीं रहा। ये ऐसे नहीं टूटेगा, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ये आवाज कैसे? जैसे कोई घड़ी हो। घड़ी नहीं, बॉम्ब। बॉम्ब? जिसे फटने में सिर्फ 3 मिनट बाकी। 3 मिनट? इसका मतलब 3 मिनट में मैं मर जाऊंगी? या अल्लाह, मैं मरने वाली हूँ और मेरी शादी बनी हुई, अभी तक बच्चे बनी हुए, और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी खाला और उनके बच्चों का। Will you please shut up? यहाँ मैं 3 मिनट 2.5 मिनट हो गए उसमें मरने वाली हूँ और आप मुझे बोलने भी नहीं देना चाहते। तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा। मरने का डिसाइड कर लिया है? नहीं, 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 मरना नहीं है मुझे। तो चुप रहो। बताइए आप क्या बताना चाहते थे?
मैं आपकी बात बोलने पे समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन लिखा हुआ जरूर समझूंगी। एक सेकंड, आप बोल के नहीं बता सकते ना, पर आप लिख तो सकते हैं। लीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ? हम कहीं मिले हैं क्या? चाहे कुछ भी कर लो रोशनी, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जैसे ही मैं ये पोर्शन फेंकूंगी, अमन और खतरनाक हो जाएगा। क्या हुआ, आप लिख क्यों नहीं रहे? मेरी बात सुनिए, देखिए ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं, आप प्लीज चाहिए आज। की अमीफा, की अमीफा, प्लीज जाइए यहां से, जाइए जाइए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज जाइए। जाएंगे तो साथ जाएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सबको आपकी जरूरत है, आप प्लीज जाइए, खुद को बचाइए, जाइए यहाँ से। क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पर ये मिरेकल हुआ कैसे? रोशनी तो हवा में थी और वो बुलबुले नहीं? ये अरमान का जादू है, एक बार फिर से उसने अपनी अम्मी की जान बचा ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू अरमान, एक बार फिर अपनी अम्मी की जान बचाने के। मैंने सोचा था हमें उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन खान बाबा यहाँ नहीं है तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपनी फैमिली को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। अब कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ से जाना होगा, फिर शायद मुझे उससे लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। ये पोषण जो मैंने तुम पे डाला है, वो तुम्हें जानवर बना देगा अमन। तुम फिर सिर्फ देखने में ही नहीं, अंदर से भी इतने भयानक और खतरनाक हो जाओगे कि रोशनी को मजबूरन तुम पे हमला करना ही पड़ेगा। और एक बार रोशनी ने तुम पे हमला कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा।